our channel, and I have a news to share with you. Since for a very long time, I haven't been posting on this channel due to some reasons. Now those things are sorted, and I think we are just ready to share this amazing news with you. Just keep watching this vlog and do like, share, and subscribe. Bye. बहुत ज़्यादा नहीं था हमारे पास, लेकिन फिर भी खुद अब आपने हमारे लाइफ में ऐसे गार्जियंस रखे, ऐसे पेरेंट्स रखे जिन्होंने इस ड्रीम पूरा होने में मेरी बहुत हेल्प करी। पहली मेरी मम्मी, और फिर मेरी मदर इन लॉ, और फिर मेरे हस्बैंड। शादी के बाद ऐसे होता है कि लड़की अपने ड्रीम्स, मतलब ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि आप क्या करना है करके, बट मैं अपने हस्बैंड का खुदा बाप का थैंक यू करती हूँ कि मुझे अच्छे हस्बैंड और अच्छे इन लॉज दिए जिन्होंने ये ड्रीम पूरा होने में मुझे कभी रोका नहीं, और मुझे फिनेंशियली और मेंटली बहुत हेल्प करी। और रीअश्योरेंस भी दी कि सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। वो मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो इस चीज के लिए मैं खुदा बाप का धन्यवाद करती हूँ, और खुदा बाप का धन्यवाद करती हूँ अपनी मम्मी के लिए जिन्होंने पहले मेरी इतनी अच्छी शादी भी करी, और उसके बाद मेरा ये ड्रीम पूरा होने में अपने टाइम, एफर्ट, अपने फाइनेंसिस को भी लगाया। और मतलब ऐसे होता है कि आपको ऐसा होता है, क्योंकि मैं बार बार ये चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं कि अब मैंने तेरी शादी कर दी, अब तू अपने आप संभाल। लेकिन मम्मी ने मुझे शादी के बाद भी कभी भी ऐसे आउट फील नहीं कराया, और उसके बाद भी मम्मी ने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करी। थैंक यू मम्मी, और थैंक यू खुदा बाप कि मुझे इतनी अच्छी मम्मी मिली। और उसके बाद मैं आप सबका थैंक यू करती हूँ कि आप लोग ने मुझे बहुत ज्यादा प्रेयर आप लोगों ने मेरे लिए करी, और आप यहाँ पे आए। और सबसे ज्यादा मैं थैंक यू करती हूँ मामू का। मामू मुझे इतना तो आपको आज आई न्यू के मेरे लिए प्रेयर होती है, बट आई रिमेम्बर रेचल वाज स्टेइंग एट मामूज प्लेस, और रेचल ने मुझे बताया कि दीदी आपके लिए तो हर कोई अपने अपने प्रेयर में भी प्रेयर करता है और फैमिली ऑल्टर में भी प्रेयर करता है। तो मैं मामू और फैमिली का थैंक यू करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने प्रेयर्स के थ्रू आपने मुझे हमेशा संभाला और याद रखा, क्योंकि ऑफकोर्स खुदा नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता।
अगर आप लोग प्रेयर नहीं करते तो खुदा उस प्रेयर को सुनता भी नहीं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और भी अच्छे अच्छे लोगों के लिए जिन जो खुदा आपने मेरी लाइफ में जोड़े, मैं थैंक यू करती हूँ। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड बैठी है प्रियंका, उसका भी मैं थैंक यू करती हूँ कि वो यहाँ आई। और पिछले एक साल में जब से प्रभु से मतलब ये जब स्टेप मैंने लिया कि मुझे आईएलटीएस करना है, मुझे बाहर जाना है, तो उसने हर चीज को देखा मेरी हर फेज में। मतलब वो मेरे साथ साथ थी कि अब तुझे आईएलटीएस करना है, पढ़ ले ढंग से, पढ़ लियो और क्रैक कर लियो, और मेरे साथ ड्यूटी एडजस्ट करना, सब चीजें करना ताकि मैं फोकस कर सकूं अपने एम पे। इसलिए मैं खुदा आपका थैंक यू करती हूँ। और एक और थैंक यू मैं करती हूँ अपने फादर इन लॉ का, जो अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इस पूरे बड़े चीज में उन्होंने हाथ डाला, इसलिए भी मैं थैंक यू करती हूँ। और एक और शख्स है जो यहाँ पे नहीं है, वो है ममता। मैं खुदा बाप का थैंक यू करती हूँ कि खुदा बाप ने उस लेडी को मेरी लाइफ में रखा। वो हालांकि एज अ मेरी बेबी की टेक केयर करने के लिए आई थी, नानी बन के आई थी घर में, और खुदा बाप ने उसको ऐसे टाइम पे अवेलेबल कराया जब मेरे पास और कोई सोर्स नहीं था, और इमरजेंसी ऐसी थी कि पता नहीं अगर मैं किसी और से पूछती तो वो चीज अवेलेबल नहीं हो पाती जिस टाइम पे वो हमारे साथ जुड़ी थी। तो मैं और मैंने बस उसको कॉल किया कि ममता तुम्हें कल से आना है, और उसने एक बार भी मुझे मना नहीं किया। और वो दिन है और आज का दिन है, उसने भी इस स्टेप में जैसे जैसे ये स्टेप स्टार्ट हुए सारे इस बड़ी चीज के, इस बड़ी मेरी आगे आने वाली लाइफ के लिए जो भी मैंने माइनर और मेजर स्टेप्स लिए उसमें वो भी मेरे साथ थे, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं जब जाती थी तो पीछे से बच्चे को देखती थी, और आगे भी उसने बोला है मुझे कि मतलब आप प्लीज अपने लाइफ अपने इस एम पे फोकस करो और अपने बच्चे की टेंशन मत लेना। तो ये सब चीजें जो अच्छे अच्छे लोग मेरी लाइफ में जुड़े हुए हैं उन सब चीजों के लिए मैं खुदा बाप का ही थैंक यू करती हूँ कि इतनी इजीली एक तो उन्होंने मुझे प्रोवाइड कर दिए सारे लोग, और भी जितने रिसोर्सेज है खुदा बाप ने बहुत इजीली दिए मुझे थ्रू मम्मी एंड मौसी एंड मामू एंड मेरे हस्बैंड रोहित और मेरी सिस्टर्स दोनों, और जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं मैं सबका खुदा बाप के लिए खुदा बाप से थैंक यू करती हूँ कि आप लोग मेरी लाइफ से जुड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स जिन लोगों के लिए ये सरप्राइज था उनको नहीं पता था कि ये ब्लेसिंग मेरी लाइफ में आने वाली है, बट थैंक यू, आपने हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा, और जब आपको ये पता चला तो थैंक यू दिल से खुश होने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसे भी लोग होते जो दिल से नहीं खुश होते। जो ये गवाही है थोड़ी अजीब सी लग रही होगी आपको, लेकिन ये चीजें मैंने फेस करी है इस पूरे टाइम में। मैंने ऐसे बहुत अजीब सी, बहुत डिमोटिवेशन और बहुत अजीब सी चीजें मैंने फेस करी है, लेकिन मैं खुदा बाप का थैंक यू करती कि उसके ऊपर खुदा बाप ने इतनी मोटिवेशन, इतनी इंस्पिरेशन, इतने अच्छे फैमिली मेंबर्स और इतना प्यार खुदा बाप ने मेरी लाइफ में दिया आप लोगों के थ्रू, जितने यहाँ पे सब बैठे हैं सब। इसलिए मैं खुदा बाप का धन्यवाद करती हूँ, सबको प्रेज द लॉर्ड, और थैंक यू आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने इस चीज को इतना इम्पोर्टेंट समझा अपनी लाइफ में, मुझे इतना इम्पोर्टेंट आज तक आप लोगों ने सबने समझा कि आप लोग सब यहाँ पे आए, इस चीज के लिए मैं आपका थैंक यू करती हूँ, और खुदा बाप का भी एट दी एंड में थैंक यू। सबसे ज्यादा मैं खुदा बाप का ही थैंक यू करती हूँ, क्योंकि अगर खुदा बाप नहीं होते तो ना मैं होती ना आप होते, कोई भी नहीं होता मेरे साथ जुड़ा हुआ। इसलिए सबको थैंक यू जीसस पापा, सबको प्रेज द लॉर्ड। बाकी आंसू नेक्स्ट वीक। ओ माय गॉड, बेटे का सॉरी। और मैं थैंक यू करती हूँ अपने बेटे का, क्योंकि
ये जब से मेरी लाइफ में आया है ना, मेरी लाइफ पूरी बदल गई. खुद अब आपने इसको एज अ ब्लेसिंग, एज अ गेट, तो ये खुद भी ब्लेसिंग है और ये खुद अब आपसे मेरे लिए ब्लेसिंग्स लेकर आया है. इसलिए मैं खुद अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. और लॉकडाउन के टाइम पे कुछ ऐसा था कि हम लोग बहुत ज्यादा फाइनेंशियली बहुत ड्रेन हो गए थे, तब खुद अब आपने इसको मेरी लाइफ में जोड़ा और उसके बाद से तो सब चीजें अच्छी होती चली गई. तो एज अ ब्लेसिंग ये खुद भी और लेकर भी आया है जैसे मैंने आपको बोला. और मेरे पास अभी अजीब, मतलब मेरे पास बहुत फैंसी वर्ड्स नहीं है जो मैं आपके सामने बोल के अपनी दिल की इमोशंस को बता सकूं, लेकिन खुद अब आपने आज तक जो मैंने खुदा से मांगा उन्होंने मुझे दिया. आमीन. बी इट जॉब, बी इट मेरे हस्बैंड, बी इट मेरी बहनें जैसी हैं दोनों, और बी इट मेरे इन-लॉज जैसे मेरे रिश्तेदार हैं सब लोग. जैसे मैंने खुद अब आपसे मांगा वैसे ही मुझे मिला, इसलिए मैं खुद अब आपका थैंक यू फिर से करती हूँ. सब कुछ एमएससी की अगेन, सॉरी मैंने थोड़ा सा ब्रेक लेके अपनी गवाही रखी, लेकिन सबको प्रेज द लॉर्ड. के लिए और आए हुए सारे लोगों के लिए विशेषकर धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद हूँ. और जैसे कि आधी से ज्यादा गवाही तो मेरी इसी से रिलेटेड है, ये दे चुकी है. शॉर्ट में यही कहूँगी कि असंभव को संभव करने वाला हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, उसका नाम मुबारक हो. और यही कहना चाहूंगी कि जैसे ये जा रही है आगे भी, हम भजन जरूर गा रहे थे लेकिन भजन, हर एक भजन में एक मैसेज था कि जीवन से ज्योति जले जीवन ही ऐसा बने. तो हमारे सबके जीवन, स्पेशली मैं छुट्टी से यही कहूंगी, जीवन से ज्योति जले जीवन ही ऐसा बने, ज्योति में हम चल सके, दुआ है तुझसे ये. बेशक यहाँ हो या वहाँ हो, खुदा बाप तो हर जगह एक जैसा है, ज्योति में चलते रहे ये और प्रभु का वचन पढ़ती रहे. सारे काम जरूरी है लेकिन सबसे पहला काम हमारा खुदावंद को धन्यवाद देना, उसका वचन पढ़ना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं और हम सबकी लाइफ में भी बहुत जरूरी हैं. और आज जबकि घर में ये थोड़ा फंक्शन रखा था लेकिन चर्च नहीं जाना था, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि चर्च भी मैं अटेंड करने पाई और चर्च में आज बहुत अच्छा मैसेज भी था, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड. तो कोई भी ऐसी परेशानी हो, बी स्टिल, खुदा के काम को देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है. किसी इधर उधर की अपने दिमाग ये सब चीजों में नहीं पड़ना, खुदा के ऊपर सारा भरोसा रखना. प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आज सवेरे जो मैसेज मिला उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ, और असंभव कार्य को संभव किया उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ, और विशेषकर रोहित के लिए और दीदी भी है, हमारी समझक भी है इनके लिए भी, कि इनका बहुत बड़ा हाथ है, कि उसकी लाइफ बहुत अप एंड डाउन आते हैं लेकिन बहुत स्मूथ जो करने वाले हैं, इन लॉज हैं, उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ. प्रेज़ द लॉर्ड. टोकन ऑफ लव है. We'll be right back.
था ओके मैं लाइव जाऊंगी क्या बोलूं।